दुर्ग जिला यातायात पुलिस विभाग के सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ बुधवार को विभिन्न आयोजनों के साथ किया गया, जहां दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया एवं पूरे सप्ताह भर चलने वाले यातायात सुरक्षा गतिविधियों के बारे में अन्य अधिकारियों का मार्गदर्शन किया। सन 2023 में फिर एक बार वाहन चालकों को यातायात के नियम बताने और वाहन परिचालन के समय सावधानी बरतने के लिए यातायात विभाग कमर कसकर तैयार है और 11 जनवरी से 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के भीतर कई तरीकों से वाहन चालकों को जागरूक करने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। बुधवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ पर यातायात विभाग के जवानों द्वारा मोटरसाइकिल निकाली गई, जिसे दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही वाहन चालकों के लिए यातायात नियमों की सूची सहित चौराहों पर लगे सिग्नल और रास्ते पर लगे कई चिन्हों की जानकारी प्रदान करने के लिए बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी यातायात के नियमों के पालन के लिए आम जनमानस को जागरूक किया गया। इस मौके पर विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जिला कलेक्टर ने भी अपने उद्बोधन में सड़क दुर्घटना में ज्यादातर गलतियां वाहन चालकों की होना बताया और इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान यातायात विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अभियान और जन जागरूकता के कार्यक्रमों की सराहना भी की। सड़क सुरक्षा सप्ताह की पूर्ण जानकारी दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को दी। इस साल लगभग 200 से अधिक लोगों ने दुर्ग जिले में ट्रैफिक से रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें अपनी जान खोई है और इन सभी का हर 15 दिन में मैं एसपी साहब, ट्रैफिक की पूरी टीम, सारे एसटीएम और तहसीलदार हर एक एक्सीडेंट्स की हम लोग समीक्षा करते हैं और जैसे कि डिप्टी एसपी साहब ने बताया, अधिकांश में जो कारण समझ में आता है जब उस कारण को पूरा स्टडी किया जाता है तो उसमें जो ड्राइवर्स है या फिर दूसरी पार्टी है जो गाड़ी चला रही थी उन्हीं की गलती ज़्यादा सामने आती है। रोड्स भी अच्छी होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई जा रही है। अब इसमें जो एक्सीडेंट्स हैं, अब जो डेटा हम जब देख रहे हैं तो लगभग हर दिन एक आदमी की डेथ दुर्ग जिले में एक्सीडेंट की वजह से हो रही है। अब इसमें ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन की तरफ से जितना हो पा रहा है उतना हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, पर एक चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार अभी भी परिलक्षित नहीं हो रहा है, अभी भी सुधार नहीं दिख रहा है, वो है जो जनता की सहभागिता इस पूरे अभियान में होनी चाहिए, वो अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी भी नहीं दिख रहा है। अभी भी जब आप रोड पे देखेंगे तो 70-80% के आसपास जो हमारे बाइक राइडर्स हैं, जो बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, जो हमारी बहनें, वो बिना हेलमेट के चला रहे हैं। सीट बेल्ट का उपयोग कार में लगभग नेग्लिजिबल है, जबकि इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस की टीम काफ़ी दिनों से, कई महीनों से प्रचार प्रसार भी कर रही है, समझाने का भी कोशिश कर रही है, चौक चौराहे पे कई बार ग्रुप्स में भी लोगों को समझाया, पर इसमें बहुत ज़्यादा जनता की सहभागिता की कमी इसमें दिख रही है। 11 तारीख से 18 तारीख तक जनवरी माह में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। दुर्ग जिले में इस बार जो है बृहद तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी, लोगों को जो है इसके बारे में क्या, हमारे ऑटो चलाए जाएंगे जिसमें कि लगातार मैसेजेस दिए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, व्यापारिक संस्थान, चेंबर, सबसे बातचीत की जाएगी। 5 बिंदुओं पर लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है। हेलमेट, सीट बेल्ट, टू व्हीलर में 2,000 लोग बैठना, नाबालिग ड्राइविंग करना और ड्रंकन ड्राइविंग करना, यदि इन 5 चीज़ों का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से 70-80% जो है एक्सीडेंट्स में कमी लाया जा सकता है। कलेक्टर महोदय ने भी आज कहा कि अब आने वाले समय में 2-3 महीने अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाया जाएगा, उसके बाद से सख्ती से जो है कार्रवाई की जाएगी जिससे कि एक्सीडेंट्स को रोका जाए। पूरे देश भर में सड़कों की दशा और दिशा सुधारने का प्रयास चल रहा है, जिससे सड़कें अब काफी बेहतर बनती जा रही हैं और इसकी वजह से दुपहिया वाहन चालक अपने वाहनों को रफ्तार दे पा रहे हैं, परंतु इस रफ्तार के चक्कर में यातायात के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल बैठते हैं। इसे वाहन चालकों को समझते हुए यातायात के नियमों का पालन करना होगा और अपना और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी महती भूमिका निभानी होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से प्रवीण मिर्जे के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट।